शोले मूवी देखी है यहाँ पे? किसने किसने देखी है? सभी ने देखी होगी जहाँ तक। तो शोले मूवी बनी थी आज से 47 साल पहले 1975 में। अगर वो अगर 2022 में बनी होती तो कैसी बनी होती? चंबल की घाटी में अपना गब्बर बैठा हुआ है, बसंती की रील देख रहा है, स्लिप कर बसंती की रील देख रहा है, और गब्बर जाहिल है, गब्बर को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो देख रहा है उसके फोन में, सांबा के फोन में देख रहा है रील, और सांबा से कह रहा है, अरे ओ सांबा कितने फॉलोवर है तेरे बसंती के। तो सांबा कहता है, सरकार 1 मिलियन और टी सीरीज से भी ऑफर है उसको, अगला गाना शूट कर रहे हैं उसके साथ। कहना अच्छा ठीक है। और वो उसमें एक सीन है जिसमें गब्बर वो ठाकुर के हाथ काट देता है ना, तो यार उसको मार ही देना चाहिए था ना, हाथ क्यों काटा? उसमें भी स्टोरी है, एक बार चंबल की घाटी में गब्बर थक रहा था, इन्होंने मार दी रेट, धोने का मौका नहीं दिया साले को। उस दिन उसने कसम खाई थी कि मैं, मेरे हाथ थे तब भी तुमने हमें धुलने का मौका नहीं दिया, तुम्हारे हाथ ही नहीं रहेंगे, मार देना उसको, लेकिन उसने हाथ काट दिए थे। और वो अमिताभ बच्चन जो फ्लूट बजाते हैं उसको देख के उसकी बहू को जो हाँ ना, तो वो तो अब ये अमिताभ बच्चन जो है ये 2022 वाले हैं, 1975 वाले नहीं, ये गिटार लेके बैठे हैं, तो उसमें इस टाइप का गाना गा रहे हैं, सच कह रहा है दीवाना, दिल है तुम्ही से लगाना, सच्चे है प्यार के वादे सारे, सच्ची है प्यार की कसमें। तो उधर से उनका रिटर्न ये आता है, गिटार मत बजाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ठाकुर को मैंने सुला दिया और मूड बनाओ ताजा ताजा। तो ऐसे ये होता है, फिर वो इसके यहाँ कोई वो होता है ठाकुर के यहाँ कोई, अरे गब्बर के यहाँ कोई परफॉर्म होता है, तो उसमें कहता बसंती को बुलाओ, बसंती को आज नचवाएंगे। तो वहाँ पे बसंती को उसने अपने उसके सामने उसको किया मैसेज इंस्टाग्राम पे कि गब्बर तुम्हारा परफॉर्म देखना चाहता है, और बसंती वो 75 वाली नहीं है, वो है 2022 वाली, उसको मटकाने में बहुत मजा आती है। कच्चा बनाम उसी ने तो फेमस किया था, अंजलि अरोड़ा ने नहीं। तो ये हुआ, फिर बुलाया गया, बसंती आई अपनी धन्नो से, धन्नो भी वो नहीं है, धन्नो है BMW, और उसने मारी वीली आके फटाक से आ गई वहां पे, उसने वहां पे ऊपर परफॉर्म करने लगी। तब से वहां से उसके एक वही उसी के आशिक कौन है, वीरू, उसको पता चल जाता है, वो भी आता अपना बुलेट में करके आता है। तो वो गब्बर से ये कहता है, वो भी जमाना दूसरा है, गब्बर से वो कहता है कि गब्बर मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वो नहीं है, गब्बर मैं तेरी दारू पी जाऊंगा, सारी की सारी दारू पी जाऊंगा मैं तेरी। तो फिर वो तो फिर बसंती सामने ये सब कहता है, तो वो बसंती कहती है, गब्बर सर पहले आप इसको बांधो, हम इसके ये बोलता रहेगा मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। तो गब्बर बांध देते हैं उसको, है ना। तो फिर बसंती अपना डांस स्टार्ट करती है, हो गया। तो बसंती अपना डांस स्टार्ट करती है, बसंती का गाना कौन सा है, ये दुनिया फालतू की, बेबी मैं डॉल में गब्बर थी, बेबी डॉल में गब्बर थी। तो ये सब बात पता चलती है उसको, उसके भाई, उसके दोस्त को, वीरू को जब ये बात पता चलती है, तो वीरू आता है, क्या नाम है, अरे वीरू भाई ने जय को पता चलती है, उसका दोस्त का है, और कभी परफॉर्म, अरे बसंती परफॉर्म कर रही है, तो जाता है दौड़ते हुए आता है फटाफट, तो वहां पे आता है, कहता है कि थैंक यू मेरे भाई तू आ गया मुझे बचाने। तो कह रहा तुझे बचाने नहीं आया, बसंती परफॉर्म कर रही है, देखने आऊं, ये देख क्वार्टर रख के लाया हूं। और वो गब्बर के साथ बैठ के वो परफॉर्म करने लगा, अरे मतलब गब्बर के साथ बैठ के ऑडियंस में देखने लगा परफॉर्म। तो ऐसे यही सब हुआ, और फिर आखिरी सीन आप लोगों ने देखा है, वो कांटे वाले जूते वाला, उसके हाथ तो रहते नहीं है, मारने लगता है, तो फिर उसमें ये सीन होता है, तो उसने कहता है कि वो
तो उसमें ये कहता है कि मारने लगता है उसको, तो कहता है कि तेरे तो हाथ ही नहीं है, तू मारेगा कैसे मुझे? तो कहता है भोसड़ी के नीचे वुडलैंड का जूता देख, ये किस लिए पहन के आया हूँ मैं? वुडलैंड के जूते से मारूंगा तुझको। वुडलैंड के जूते, अब तो वुडलैंड का जूता एक ऐसी चीज है, आप लोग को भी बता, अभी यहाँ पे कोई पहने नहीं है वुडलैंड का जूता। अमित भैया भाई चलते थे, अमित नहीं पहनना चाहिए वैसे, अमित भैया आपके ऊपर सूट करेगा। और वुडलैंड के जूते में इतनी ताकत होती है ना कि पहले जिस कहीं पे मारो तो वो जगह फटती है, फिर उसकी गांठ इतना मजबूत होता है जूता। चलो थैंक यू सो मच, बस इतना ही था सर।